हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे अपने अपने घरों पे। और मैं अभी अभी जस्ट सार लेकर के आई हूँ। मैंने आज हेयर वॉश किया है। कल मैंने आपको बताया ही था कि मुझे हेयर वॉश करना है। एक्चुअली बहुत ज़्यादा ऑयली हो रहा था और मैंने यहाँ पानी भरने को लगाया था। पानी भर चुका है और आप मेरे फेस पे देख सकते हैं, कल जो मैंने फेशियल किया था उसका ग्लो आपको मेरे फेस पे दिख रहा होगा। एक्चुअली अच्छा लगता है ना, अपने घर पर ही कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए अपने लिए। और आईब्रोज भी मेरी सेट हो गई हैं। रुकिए, हाँ ये देखिए, अब आप पास से देख सकते हैं मेरी आईब्रो। ठीक है, तो मैंने शेप ही केवल दिया है। और 8:30 बज रहे हैं, अब नहा करके आई हूँ। सबसे पहले भगवान का दिया जलाती हूँ, उसके बाद फिर स्टार्ट करती हूँ लंच वगैरह जो भी बनाना है ब्रेकफास्ट में। तो पीयू तो बोल रही है चीला खाना है, तो मैंने बेसन जो है वो थोड़ा सा भिगो दिया है सुबह ही उठ करके। मैं मॉर्निंग वॉक पे गई थी, सुबह वो करके आ गई थी। पीहू उठ गई है, आज पीहू का एग्ज़ाम है, फर्स्ट पेपर है इंग्लिश का, तो वो पीहू को प्रिपेयर हो चुका है। और चलिए पहले पूजा कर लेती हूँ भगवान की। सूखे मसाले डाल दिए, नमक डाल दिया है और अब मैंने इसको अच्छे से अपने तवे पे फैला लिया है। यही आज का हमारा ब्रेकफास्ट है। बहुत ही हेल्दी ऑप्शन है। आप लोग खाते हैं कि नहीं कमेंट करिएगा। फोन कहाँ है, पेन कहाँ है, सब कुछ कहाँ है, कहाँ है, कुछ मिलता ही नहीं आपको। तुमने पेन छुपाया हुआ है। मैं क्यों छिपाऊंगी, मुझे क्या पड़ी है आपका पेन छिपाने की। बस टॉवल इधर फेंकना, वो फेंकना, बस हर जगह गंदगी फैलाना। शट अप की क्या बात है, अभी मैंने पूरा बेड ठीक किया है। पेन अभी वो मेरा फोन अभी यहाँ पर था। तो यहाँ से कहाँ चला जाएगा आपका, कहाँ रखा आपने अपना पेन? देखिए दोस्तों, ये सुबह सुबह अपना चीज रख करके कैसे भूल जाते हैं। देर हो रही है यार, तुम वीडियो मत बनाओगे। वीडियो ना बनाओ, देखो दोस्तों देखो। फोन किधर है, फोन किधर है, पीयू डैडी का फोन किधर है? देखो बैग के नीचे छिपा के रखे हैं। उसका फोन आ रहा है, देखो भाई उनका। तो आए गई, कहाँ आ गई आपकी गाड़ी? मेरा पेन किधर है? गाड़ी किधर है? नीचे, लेकिन इसमें देखना पहले क्या। पहले तो अपनी जगह पे चीज रखी नहीं जाएगी, उसके बाद हल्ला किया जाएगा। मेरा सामान कहाँ है, मेरा सामान कहाँ है, मुझे शाम तक चाहिए। देखो जरा कैसे बोल रहे हैं, मुझे शाम तक चाहिए। तो अलमीरा में क्यों नहीं है आपके, आपका वार्डरोब, आपकी अलमारी कोई नहीं छूता, आपका ड्रॉअर कोई नहीं छूता। पीयू तो छू नहीं पाएगी, और मैंने सिर्फ सफाई करी है, पूरा सेट कराया। ये तो गड़बड़ सर जी, तुमने सफाई कर दी पूरी चीज़ों जी? नहीं, पेन किधर है यहाँ से? मैंने वो ड्रॉअर्स नहीं छुए हैं, मैंने सिर्फ आपके कपड़ों को ऑर्गेनाइज किया, इतना फैले हुए जो है। आप मैंने परसों ही रखा हुआ है, परसों से अब तक कौन छुआ है? मुझे क्या पता। मोहब्बत वाला नैनो में ऐसे डाला। 19,000 रुपए का परफ्यूम चल रहा है। 19,000 का हो, 25,000 का हो, मैं क्या करूं? एक सस्ता वाला ऑर्डर करके कुछ मंगा दो भाई, मेरे पास टाइम नहीं है ये सब। तुम्हें सस्ता पता है कौन सा चाहिए मुझे? सस्ता परफ्यूम नहीं लगाते हम, तो 19,000 वाला लगाते हैं। तो देखो पेन अभी भी ढूंढी जा रही है, पर पेन मिल नहीं रही है। मैंने तो देखा ही नहीं कहाँ रखा आपने। चलो भाई, ओके। पीयू ने कह दिया है ऑल द बेस्ट, और पीयू का यहाँ पे पापा पिक चल रहा है। चलो बेटू तैयार हो, एग्जाम है आज। तो वर्मा जी की सवारी चल दी है, मिलते हैं शाम को। बाय 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 बाय। गुड गुड, मास्क लग गया। सो गाइज, अमेज़ोन पे सेल स्टार्ट हो रही है 18 से, तो वहाँ पे आप बहुत अच्छे अच्छे सामान परचेज़ कर सकते हैं। अगर आप प्राइम मेंबरशिप वाले हैं तो 17 की नाइट से स्टार्ट है।
तो गाइज अभी मैं आपको दिखाती हूँ, मैंने कुछ सामान मंगाया है अमेज़ॉन से जो कि आपके सामने है। ये ब्यूटी रिलेटेड सामान है, अगर आप भी लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। सबसे पहले मैंने यहाँ पे मंगाया है बहुत ही ब्यूटीफुल से ये बैंगल्स हैं, ये देखिए दो बैंगल का सेट है ये। और जो कि मैं बहुत दिन से चाह रही थी लेना, मोटे बैंगल्स मतलब चौड़े चौड़े बैंगल्स लेना चाह रही थी, तो मुझे ये दिख गया तो मैंने इसको ऑर्डर किया। बट क्या हो गया प्रॉब्लम, ये आप देख सकते हैं बहुत ही छोटे साइज़ में ये आए हैं, तो मुझे नहीं पता कि मैंने तो 2-6 साइज़ जो है वो चूज़ किया था बट ये आया है, सो ये मुझे एक्सचेंज कराना पड़ेगा। नेक्स्ट मैंने ये मंगाया है, ये देखिए जैसे मैंने बोला चौड़ा ब्रेसलेट बैंगल मेरा मन था तो इसलिए मैंने ये मंगाया है, बट मुझे इसकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं लग रही है, मतलब आप लोग बताइएगा कैसा लग रहा है, मुझे बहुत सुंदर नहीं लग रहा है ये। तो नेक्स्ट मेरा ये हो गया। इसके बाद मैंने एक ये ब्रेसलेट मंगाया है, ये है मेरा प्रियांशी ब्रांड का ये ब्रेसलेट है जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल सा है और जब आप इसे पहनेंगे तो ये बहुत सुंदर लगने वाला है। ये देखिए जब मैं ब्रेसलेट लेने गई थी गोल्ड वाले, जब मम्मी मुझे दिलाने गई थी तो आपने देखा होगा तब के व्लॉग में कि आपको इसी तरह के वहाँ पे बैंगल्स ब्रेसलेट दिखाई दे रहे थे। सो मेरा ये हो गया नेक्स्ट परचेज। और इसके बाद मैंने ये बहुत ही ब्यूटीफुल से बैंगल्स मंगाए हैं, मुझे बहुत सुंदर लग रहे थे, 2-6 मंगाए हैं, 2-6 आए भी हैं बट ये बहुत छोटे हैं, मुझे आ नहीं रहे हैं, शायद ये जो इसके बीट्स लगे हुए हैं इस वजह से ये मुझे नहीं अच्छे से आ रहे हैं। सो मैं इसको ज़रूर एक्सचेंज करा के इसका बड़ा साइज लूंगी। आई थिंक ये 2-10 मुझे आएगा क्योंकि ये छोटा है, तो अगर आप लोग ये लेना चाहते हैं तो इसको बड़े साइज में लीजिएगा ये, लेकिन बहुत सुंदर है, प्रियांशी ब्रांड का ही है। नेक्स्ट मैंने मंगाया है यहाँ पे ये सॉक्स हैं जो कि 5 सॉक्स का सेट है, शॉर्ट वाले सॉक्स हैं क्योंकि आजकल मैं रनिंग कर रही हूँ तो मुझे सॉक्स की ज़रूरत थी इसीलिए। और इसके बाद मैंने यहाँ पे एक सैंडल मंगाई है, ये देखिए बहुत ही ब्यूटीफुल सी सैंडल है लेकिन छोटी है। अगेन मैं पहनती हूँ UK 7 और ये पता नहीं कौन सा साइज़ आ गया है, तो ये मैं रिटर्न डाल दूंगी। मुझे इसकी क्वालिटी थोड़ी अच्छी नहीं लगी, मतलब इसका सोल वगैरह जो है मुझे बहुत अच्छा नहीं लगा, सो ये रिटर्न जाएगा। तो ये मैंने आपको दिखा दिया कि ये मेरा सारा सामान है जो मैंने मंगाया है। एक और मैंने बैग मंगाया है, ये देखिए ये है वो बैग, मैं इसको ओपन करती हूँ। तो नेक्स्ट मैंने यहाँ पे ये पिंक कलर का बैग मंगाया है जो कि पिंक कलर का ही है और इसमें पिंक लिखा भी है, मैं बहुत टाइम से इसको लेने की सोच रही थी तो फाइनली मैंने इसको ले लिया है और बहुत खूबसूरत लगता है ये बैग। ये मैंने अमेज़ॉन से मंगाया है, सबका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, ज़रूर चेकआउट करिएगा। MHS की भी आपको लिंक मिल जाएगी, माई हॉल स्टोर की, तो वहाँ पे आपको मेरे सारे प्रोडक्ट देखने को मिल जाएंगे जो मैंने अभी तक मंगाए हैं। मैं भी काम कर रही थी, बाल मेरे थोड़े से सूखे हैं, थोड़े से नहीं सूखे हैं। सो गाइस गुड इवनिंग, वेलकम बैक। और अभी अभी मैं किचन में आई हूँ चाय बनाने के लिए और पता है मैंने फ्रिज खोला, हाँ मैंने फ्रिज खोला और मैं दिखाऊं आपको, कहा कि फ्रिज में दूध रखा हुआ है और मैं भूल गई सुबह उसको उबालना ही, पता नहीं ये गलती मुझसे कैसे हो गई, मतलब सुबह से दूध रखा हुआ है और पता नहीं ये फटेगा तो नहीं, तो पता नहीं मैं कैसे भूल गई, मेरे ध्यान से कैसे उतर गया, मतलब ऐसे तो होता नहीं है, ये गलती कैसे हो गई पता नहीं। खैर कोई बात नहीं, मैंने इसको रख दिया है बॉईल होने के लिए और चाय बनाती हूँ, शाम की चाय पीते हैं और क्या, फिर अपना काम शुरू करते हैं शाम वाला।
पी चुके हैं हम लोग, मतलब मैं, और अब मैं जा रही हूँ कपड़ों को रखने। इतने कपड़े हैं जो कि मुझे अभी फोल्ड करने हैं, मैंने वॉश किए थे। चलो लग जाते हैं काम पे। तो चलिए शाम का डिनर बना लेते हैं। यहाँ पे मैंने ऑयल रखा है। आज डिनर में कुछ अलग बनाने जा रही हूँ। बहुत दिनों के बाद नहीं बल्कि पहली ही बार मैं बनाने जा रही हूँ आज निमोना, यानी मटर का निमोना जो होता है वो बनाने जा रही हूँ। उसके लिए मैंने यहाँ पे तेल डाला है और प्याज अदरक लहसुन को मैंने पीस लिया है और मैं इसको सबसे पहले फ्राई कर लूँगी। एक्चुअली मैं इसको फर्स्ट टाइम बना रही हूँ तो इतना आइडिया नहीं है मुझे कैसे बनता है। मम्मी ही बनाती थी फतेहपुर में, मेरे मायके में बनता है ये। और जब तक वो मसाला भून रहा है मैं यहाँ पे मटर जो है ना, फ्रोज़न मटर है मेरे पास। इस समय तो फ्रेश मटर आ रही है बट वो नहीं थी मेरे पास, तो मैंने फ्रोज़न मटर को लेके पीस लिया है। और इधर मैं अपना ये भी मसाला भी भूनती जा रही हूँ, साथ के साथ दोनों काम चल रहे हैं। तो देखा आपने, मेरा प्याज वाला जो मसाला था वो भुन रहा था, उसके बाद मैंने यहाँ मटर भी पीस करके डाल दिए। अब हमें इसको बहुत अच्छे से भूनना है, मतलब भूनते रहना है। ये देखिए थोड़ी थोड़ी देर में मैंने क्लिप्स जो हैं वो रिकॉर्ड करी हैं। और आप लोगों में से कौन कौन है जो निमोना वाली रेसिपी जानते हैं, खाते हैं और सबको पसंद है, मुझे कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मुझे बहुत पसंद है निमोना। तो जब मटर मुझे थोड़ा सा पका हुआ लगा तो मैंने इसमें कुछ सूखे मसाले डाल दिए हैं, जैसे नमक, हल्दी, गरम मसाला, धनिया पाउडर। अब मैं इसमें थोड़ा सा पानी डालूंगी, बहुत ज़्यादा सूख गया था तो थोड़ा सा पानी डाल के फिर हमको बहुत अच्छे से इसको भूनना है। मेन वही भूनने वाला ही इसमें मेन जो काम है वो भूनना ही है। तो अब इसमें देखिएगा, आप घी छूटने लगेगा, मतलब तेल छूटने लगेगा, तब हम समझ जाएंगे, मतलब मैं समझ जाऊँगी कि ये अच्छे से भून चुका है। Wanna stay, even if we run late. This morning, let's take our time. Everybody needs a break, right? तो मैंने इसमें पानी डाल करके उसे भी थोड़ा सा बॉईल कर लिया है। अब मैंने यहाँ पे महीन महीन आलू कट कर दिए हैं, डाल दिए हैं। आप चाहें तो आप जो बड़ी नहीं होती है वो डाल दीजिए या फिर पनीर डाल दीजिए। इधर बीच में मैंने यहाँ पे राइस भी वॉश करके और यहाँ पे कुकर में लगा के रख दिया है। मुझे इसके साथ ना चावल खाना बहुत ज़्यादा पसंद है। सो ये देखिए, यहाँ पे धीमी आँच में ये पक रहा है, धीमी आँच में ये आलू भी पक जाएंगे। उबला है तो वो भी डाल सकते हैं। सो गाइस, मैं चली गई थी नीचे पीहू को पार्क लेकर के, और यहाँ पे राइस मैंने बना लिए हैं। वर्मा जी आ चुके हैं, तो सब्जी तो मैंने गरम कर ली है। आज देखते हैं वर्मा जी को कैसी लगती है सब्जी। फर्स्ट टाइम बनाया है ना, इसलिए थोड़ा सा ज़्यादा वो मुझे लग रहा है। लेट्स सी कैसा लगता है उनको। चलो देखूँ अंदर क्या कर रहे हैं वो, कुछ काम कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं आप? काम है। काम है? अच्छा चलिए डिनर। ये लीजिए आज का डिनर, चटनी भी है ले लीजिए। और देखिए ये क्या है, खा के देखिए, टेस्ट करिए और बताइए। घी डाला है मैंने। आज का डिनर कुछ स्पेशल बना है। कैसा बना है? सच बताइए। अच्छा बना है? क्या है बताइए? पता नहीं चल रहा। इसमें राइस भी है, राइस बहुत अच्छा लगता है इसके साथ। आलू है इसमें और पालक है। आलू है, पालक है। पालक तो नहीं है। पालक नहीं है, दाल है। बताओ, टेस्ट करके बताइए। गाइस अभी हम लोगों का डिनर हो गया है और मुझे तो बहुत अच्छा लगा। लेकिन आज वर्मा जी ने जब पहले खाना देखा ना,
मतलब शक्ल देख करके तो ये बहुत गुस्सा करने लगे थे, ये सोचे पता नहीं क्या है। लेकिन आपको अभी ये सामने से बताएंगे, खाते हुए तो इन्होंने बोला था हाँ अच्छा है, लेकिन शक्ल देख के पहले गुस्सा किया था। तो कैसा लगा फाइनली, आपको कैसी लगी सब्जी? यार बहुत अच्छा था, मतलब किसे कहते हैं कि मैंने मेरे लिए तो नई चीज थी। हाँ फर्स्ट टाइम खाया। नमूना नमूना नहीं निमोना। आप लोग अगर जो लोग जानते हैं निमोना तो कमेंट करके जरूर बताना, जानते होंगे सब लोग। ठीक है ठीक है। इलाहाबाद कानपुर लखनऊ साइड तो बनता है निमोना मटर का। और अच्छा लगा मुझे तो बहुत, मम्मी की याद आ गई, मम्मी के हाथों की निमोना खा के चावल के साथ और अच्छा लगता है, गरम गरम चावल के साथ। बहुत ही गर्व की बात है कि हमारे देश की जो हरना सिंधु हैं वो इस बार की मिस यूनिवर्स बनी है, मिस यूनिवर्स 2021 का अवार्ड उनको मिला। तो इसमें जो ये कंपटीशन होता है इसमें मतलब बहुत सारे क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, सिर्फ ब्यूटी ही एक क्राइटेरिया नहीं होता, मतलब आपसे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उसके बेसिस पे ये डिसाइड होता है कि आपका इंटेलेक्चुअल लेवल क्या है। और जिसका भी ज़्यादा इंटेलेक्चुअल लेवल होता है उसी को ये प्राइस मिलता है, क्योंकि ब्यूटीफुल तो सारे ही होते हैं वहाँ पे जितने भी लोग मिस यूनिवर्स के कंपटीशन में आए। चलो ठीक है भाई, फिर इसी खुशखबरी के साथ हम अपने इस ब्लॉग का एंड करेंगे और मिलेंगे कल एक और अच्छे से इंटरेस्टिंग से ब्लॉग के साथ। टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट। निमोना कौन कौन जाता है कमेंट करके बताना।